दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ऑल न्यू होंडा SP125 को रेड कलर में। ये बाइक जो है अभी OBD2 E20 अपडेट वाला मॉडल है, जो कि अभी 2023 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। इस वीडियो में जो है इस बाइक का हम लोग एक डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। इस बाइक में आपको जो है कितना माइलेज मिल जाएगा, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है, क्या क्या फीचर्स दिया गया है, सारा कुछ आपको जो है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसके टैंक में यहाँ पर देख लें, E20 का आपको जो है स्टिकर मिल जाता है। इस बाइक को आप जो है 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल से चला सकते हैं। यहाँ आप लोग देख लें, डिजिटल में जो है इसमें आपको मीटर कंसोल दिया गया है। यहाँ आपको स्पीडोमीटर पता चल जाता है, ओडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर आप फ्यूल गेज को देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, गियर पोजिशन इंडिकेटर का पता चलता है, ट्रिप भी देख सकते हैं, रियल टाइम माइलेज को देख सकते हैं। काफ़ी सारा जो है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन का पता चलता है। आप यहाँ देख लें, रियल टाइम माइलेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, यहाँ साइड स्टैंड का लाइट दिया गया है। काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको मीटर कंसोल मिलता है। काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन में जो है टैंक दिया गया है। यहाँ आप लोग देख लें, काउल का भी यूज किया गया है। यहाँ आपको होंडा का जो है 3D वाला लोगो दिया गया है, ग्रे, वाइट और ब्लैक कलर में। काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स आपको जो है पीछे तक मिलता है। इसमें जो है आपको एक स्टाइलिश लुक दिया गया है। इंजन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, 125cc का जो है आपको इसमें इंजन मिलता है। ब्लैक कलर का इंजन है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स का इसमें आपको सेटअप मिल जाता है। टॉप एंड वगैरह का जो परफॉर्मेंस है इस बाइक में आपको काफ़ी बेटर मिलेगा, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। माइलेज की अगर बात करें तो इस बाइक में आप जो है 65 का माइलेज आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप जो है इसको सिटी में चलाते हैं तो 60+ का आपको ईजिली माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप इसको जो है हाईवे राइड करते हैं इस बाइक से तो आपको 65+ का माइलेज मिल जाएगा। साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर है इसका। आप लोग जो है अभी सीट देख रहे हैं तो सीट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लेंथ इसका अच्छा है। इसका जो चौड़ाई है सीट का, ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। राइडर पिलियन आप लोग जो है इसमें कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं। ग्रैब रेल आप लोग देख सकते हैं, ये भी रेड कलर का है। सीट काउल में भी जो है आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाता है। SP125 का भी ग्राफिक्स दिया गया है। इस बाइक में जो है 2023 में न्यू चेंजेस भी हुआ है, जो कि आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ जो है आप लोग अभी इसका टायर को देख रहे हैं, तो इसमें जो है आपको पहले 80x100 सेक्शन का टायर मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें आपको 100x80 सेक्शन का टायर मिल रहा है। रेयर में जो है इसमें आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। इधर से भी आप लोग जो है इस बाइक का भी लुक देख सकते हैं। यहाँ जो है आप लोग टैंक में देख लें, इधर भी आपको सेम ग्राफिक्स दिया गया है। किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको इस बाइक में मिल जाता है। ये जो है इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, तो इसमें जो है आपको फ्रंट में 130mm का ड्रम ब्रेक, रेयर में भी जो है 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है इस बाइक में आपको दिया गया है। यहाँ आप लोग दो लीवर देख सकते हैं। इसका जो अलॉय व्हील है इसका आप लोग डिज़ाइन देख लें, ये भी जो है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको मिलता है। फ्रंट में जो है आपको 80x100 का टायर दिया गया है। सिंगल में जो है कंपनी हॉर्न प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट प्रोफाइल भी जो है आप लोग इस बाइक का भी देख रहे हैं। वाइजर जो है आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है। यहाँ आप लोग देख लें, सेंटर में जो है आपको होंडा का यहाँ पर स्टिकर दिया गया है। इंडिकेटर आपको बल्ब में दिया गया है। इसका आप लोग जो लाइट देख रहे हैं, ये जो है आपको फुल्ली LED में दिया गया है। DRL आपको इसमें कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, यहाँ आप जो है नंबर प्लेट को लगा सकते हैं। इस बाइक की अभी ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो हमारे यहाँ झारखंड में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस जो है 1,04,900 के अप्रॉक्स में जा रहा है। अगर आपको भी जो है अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो ये बाइक आपको कैसा लग रहा है आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। रेड कलर जो है काफ़ी अच्छा ग्लेजिंग कर रहा है और रेड कलर में बाइक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तिवारी होंडा फतेहपुर में। तो अगर आप भी जो है नियर बाय एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं। आपको जो है शोरूम में होंडा का सभी बाइक्स और स्कूटर अवेलेबल मिल जाएगा। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जानकारी अगर आपको लेना है तो आप जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।